हाय एवरीवन, बार बार लोग पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश में तो गोरखपुर हॉस्पिटल की जी तो आ गई है, पर हिंदी में कब आएगी, उर्दू में कब आएगी। तो आपको आज 10 अगस्त 2017 यानी कि 6वीं बरसी पे, आज 2023 हो गई है, 6 साल हो गए इस बात को, ये फरोश मीडिया के द्वारा हिंदी में प्रकाशित की गई है। इससे पहले भी 2 जुलाई 2022 को हमने रिलीज की थी एक बहुत बड़े प्रकाशन जो 100 साल पुराना है, उन्होंने लॉन्च किया था, और पर उनके पास लखनऊ से, जिस दिन हमने लॉन्च किया उसके बाद ही लखनऊ से फोन आ गया कि इसको लॉन्च मार्केट में नहीं जाने देना है, और उन्होंने सारी बुक्स वापस ले ली और मुझसे माफ़ी मांगी कि हम इसे लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से 1 साल लग गए अपनी भाषा, अपनी हिंदी लैंग्वेज में आने में। उर्दू में भी आ चुकी है, उर्दू में भी फरोश मीडिया ने ही छापा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी हिम्मत की। एक बड़े सरकार से तर्ज से लड़ना आसान बात नहीं होती है, पर इससे पहले जो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज में आई थी मलयालम में, जिसको माध्यमम जो कि केरल का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, और मृदुल मानी जो वहाँ की जानी मानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था मलयालम, और मराठी में जिसको मनोविकास प्रकाशन जो कि राठे साहब ने ट्रांसलेट किया है। 6 साल हो गए, 63 बच्चे और 18 वयस्क उस रात ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए थे, क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं दिए थे। बहरहाल आज भी वो 81 परिवार जो है इंसाफ के लिए भटक रहा है। मेरी जिंदगी तो उथल पुथल है ही, पर आपको बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि ऊपर लिंक दिया हुआ है, बुक को जरूर खरीदें जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, असम, मीस में भी जल्द आपके पास किताब आने वाली है। तो बस यही कहूँगा कि किताब आप पढ़ोगे तो मेरी भी कुछ मदद होगी और आपको भी जो सच्चाई है वो पता पड़ेगी। धन्यवाद।